सब्सक्राइब कीजिए यूपी रेस चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का घंटा दबाइए और देखते रहिए आप हर रेस वीडियो। सबसे पहले भैया जी आप अपना नाम बताइए। मैं विनोद राजभर हूँ जी। पिता का नाम श्री साहू राजभर है। ठीक है, आप अपना एड्रेस पता बताइए। क्या सभा राजमलपुर पोस्ट हल्दलपुर डिस्ट्रिक्ट बहु के रहने वाले हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आप अपने दरबार पे घोड़ा कब से रखे हैं? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। तो घोड़ा 5-6 साल से रखे हैं कि और पहले घोड़ा रखे थे आप? पहले घोड़ा मेरा था। अच्छा अच्छा, इस घोड़े को आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये कच्छभुज से आया है जी। ये हबू व्यापारी से लिया गया था। अच्छा अच्छा, तो ये घोड़ा इस समय कौन सा, अरे कितने उम्र में है? ये 23 महीने का अभी बच्चा हुआ है। 23 महीने का? हाँ। दाँत वाँत में का है? अभी दाँत में नहीं, अभी छकड़ी बच्चा है। अच्छा, अभी इसका जो है कि हल्का हल्का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, क्या चलता है ये? ये अभी 26-27 चल रहा है। सिंधी में? अरे सिंधी चलता है कि चौताल चलता है? चौताला में है। अच्छा, इस पे सवारी कौन से सवार करते हैं? ये सवार सवार हैं साधु यादव जी। साधु यादव? अच्छा अच्छा, तो ये घोड़ा अभी फील्ड पे जाएगा? अभी फील्ड पे जाएगा। ठीक है, तो आप कसिए और हमारे व्यूअर्स को दिखाइए अपने घोड़े का चाल और दौड़। अच्छा, इस घोड़े का हाइट क्या होगा इस समय लमसम? इस समय वही 55-56 इंच के करीब है। अच्छा, ये कलर से कौन सा है घोड़े का? बादामी कलर है। अच्छा, बादामी है, बादामी कुमैत है। ठीक है, आप अपने घोड़े को कस कर दिखाइए थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों, आप इनका पूरा एड्रेस पता, हर एक चीज़ इनका आप लोग पहचान लिए हैं। अब मैं ये घोड़ा तैयार इनका करा रहा हूँ, अब जाएगा ये फील्ड में, आप लोग देखेंगे इस घोड़े का नज़ारा। और इनका मैं स्वयं एक बार नाम अपने जुबान से दोहरा रहा हूँ, आप लोग इनका नाम सुनिए और इनका एड्रेस पता सब कुछ आप लोग लीजिए। मोबाइल नंबर भी देंगे आप लोग को, आप लोग अगर इनसे बात करना चाहेंगे तो आप लोग बात कर सकते हैं। इनका नाम है मनोज राजभर, जो घोड़ा मालिक हैं, और इनका पता पड़ता है ग्राम रजमलपुर पोस्ट पासा हल्दरपुर जिला मऊ के धरती से हैं। अब घोड़ा है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि तैयार हो रहा है, घोड़े के ऊपर गद्दी धरकर और दोनों तरफ से घोड़ा को कसा जा रहा है। घोड़ा अभी फील्ड में जाएगा, इस घोड़े का आप लोग नज़ारा भरपूर देखेंगे। ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, एक दूसरे में शेयर कीजिएगा, और इस घोड़े का दौड़ अच्छा लगे तो आप लोग इसके नज़ारा और देखकर इस घोड़े के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे चैनल से आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के बीच में देता रहूँगा और हर एक नज़ारे को बताता रहूँगा। तो इस घोड़े को आप लोग देखिए, और घोड़ा जल्द ही फील्ड में जाएगा। इस घोड़े का उल्टा राउंड से लेकर और सीधा राउंड तक आप लोग इस घोड़े का वीडियो देखेंगे अभी। और इस घोड़े पे दो सवार अभी सवारी किए हैं, जो स्वयं मैं भी किया हूँ, और सवार जो पहले हाँक रहे हैं, इस सवार का नाम मैं आप लोग को बता दूँ। तो इस सवार का नाम है ब्रजेश यादव उर्फ साधु यादव, इनका डबल नाम है जो साधु यादव के नाम से फेमस हैं। और एक घोड़े को अभी सीधा राउंड में हाँक रहे हैं, अभी इस घोड़े को उल्टा राउंड में हाँकेंगे। तो मैं इस घोड़े की अब बारे में बात बता दूं आप लोगों को, तो इस घोड़ा अभी छकड़ी बच्चा है, जो हबू व्यापारी लिया कर दिए थे पर साल, उन्हीं में से घोड़ा लिया गया था, जो गुजरात के कच्छभुज से लेकर आते हैं सब घोड़े, हबू व्यापारी को आप लोग सब जानते हैं। तो उन्हीं की हार में से घोड़ा लिया गया था, बच्चे पे छकड़ी चौकड़ी पे घोड़ा इस समय छकड़ी लगा है। इस घोड़े पे इतनी मेहनत, इतनी लगाव और इतनी जज्बे से इस घोड़े के पालन पोषण किया गया है कि घोड़ा अपने कम उम्र में और अपने खान पान की जोर से अपना ये दौड़ फाइट कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी स्वभाव में घोड़ा पैरबाजियों करते हुए आगे की तरफ राउंड पूरा कर रहा है। एक घोड़ा पूरी तरह से चौताल चल रहा है, और एक घोड़ा अभी और आगे चलकर चौताल चलेगा। जब दो दांत चार दांत लगेगा तो घोड़ा इस चाल से दुगुना चाल अपना करेगा और अच्छा एक नज़ारा इस समाज में पेश करेगा और दिखाएगा। तो ये इस घोड़े के मालिक का जो नाम है विनोद राजभर, उनका कहना ये है कि हमारा शौक़ है, मैं एक इस घोड़े का लॉकडाउन में इतनी तैयारियां अच्छी तरह से बनाऊंगा कि मैं ददरी के मेले आते आते लॉकडाउन अगर हट गया, ददरी मेला लगेगा, तो मैं ज़रूर इसमें अपना नज़ारा दिखाऊंगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस घोड़े का नज़ारा देखते रहेंगे और पूरा इसका जलवा कायम हमेशा आप लोग देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं सवारी इस घोड़े पर किया हूँ। अब इस घोड़े को टूटिया और हर एक चीज़ आप देखेंगे कि घोड़ा
दोनों तरफ से चलेगा हमसे भी, तो इस घोड़े में क्या आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इस घोड़े के ऊपर हम अब बैठे हैं, अब इस घोड़े का अंतर आप लोग देखने के लिए क्या मिलेगा और दोनों सवार में आप लोग अंदाज़ा कर कर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि घोड़ा कैसा चल रहा है दोनों सवार के हाथों में, और एक घोड़ा अगर बनाया जाएगा तो कैसा अपने समय में काम करेगा और अपना जलवा कायम और अपना रुतबा कैसा दिखाएगा और अपने मालिक का नाम कितना आगे चलकर रोशन करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इस वीडियो का नज़ारा देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस घोड़े के बारे में। और ये मालिक इनका जो है हमेशा इस घोड़े को अपने लड़के से भी बढ़कर इस घोड़े को पालते हैं और इस घोड़े को हमेशा अपना दिल दिमाग लगाते रहते हैं। तो जो विनोद राजभर जी हैं, विनोद राजभर जी का मैं कुछ आप लोग को परिचय दे रहा हूँ, जो अपने जिला जवार से जो अपना एक नया काम करने वाले हैं, ये अभी उस पार्टी में हैं, जो इस पार्टी का मैं नाम बता रहा हूँ, जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ये रहते हैं, कार्य करते हैं करता हैं। विनोद राजभर जी एक युवा जिला अध्यक्ष मऊ से भी एक अच्छा नेता अपने गांव का ये चुना गए हैं, जो इस साल प्रधानी का चुनाव होगा तो उसमें अपना हिस्सा और अपना भाग लेंगे। अगर अच्छा निगाह रहेगा सब आदमी का, मालिक का दुआ रहेगा, तो ज़रूर अपना प्रधानी भी अपने हाथ में ज़रूर लेंगे। एक अच्छे नेता हैं, इनके बारे में मैं बहुत से सुने हैं, और एक अच्छा एक युवा नेता हैं, इनको आप मालिक से और दुआ से कामना कीजिए दिल से कि अपना लक्ष्य को पूरा करें और एक समाज में अपना रुतबा दिखाएं। तो इस घोड़े का नज़ारा आप सीधे राउंड में देख लिए, घोड़ा पे फिर उल्टा है, घोड़ा अभी चलेगा, आप लोग देखेंगे इस घोड़े का नज़ारा और एक घोड़ा आप लोगों को कैसा देखने के लिए लग रहा है। कटकाठी इसका आप लोग सब कुछ देखें कि कच्छ भुज से घोड़ा आया था, वो व्यापारी लेकर आए थे और सब आप इस घोड़े का नज़ारा देख रहे हैं। तो अब एक घोड़ा का चाल चलावा पूरा फुल पावर में घोड़ा चल रहा है, अब बच्चे उम्र में घोड़े का चाल चलावा कैसा है आप लोग ज़रूर इस देखकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस घोड़े का वीडियो पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।